हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टुडे वी आर स्टडी क्लास थर्ड लेसन ए वन लेसन इन काइंडनेस दयालु का पार्ट इट वाज अ सन्डे मॉर्निंग मिस्टर रॉय वाज सिटिंग इन हिज रूम वो एक सन्डे मॉर्निंग का टाइम था मिस्टर रॉय रॉय एक एक शख्स का नाम है वाज सिटिंग इन हिस रूम वो अपने रूम रूम में बैठे हुए थे ही वाज रीडिंग ए न्यूज़पेपर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे अखबार पढ़ रहे थे द विंडो ऑफ हि रूम ओवर लुकड द स्ट्रीट सडनली द विंडो ऑफ इस रूम ओवर लुकड द स्ट्रीट वो उनकी खिड़की से सीधे सामने का जो देखेंगे तो वहाँ का स्ट्रीट दिखते थे माने शहर दिखता था सडनली मिस्टर रोई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एकदम रोई ने उस विंडो के खिड़की से देखा देरवा से बॉय इन द स्ट्रीट एक लड़का जो है वो शहर में घूम रहा है द बॉय हैड ए बैग स्लंग ओवर हिज शोल्डर उस लड़के लड़के के कंधे पर एक बैग टंगा हुआ था ही टुक है सैंडविच आउट his बैग एंड बिगेन टू ईट इट उनने अपने बैग से सैंडविच निकाला सैंडविच खाने का सैंडविच निकाला आउट ऑफ हिज बैग एंड बिगेन टू ईट और उन्हें खाना शुरू किया इन द स्ट्रीट और उस समय शहर में वाज ए लिटिल डॉग वहाँ पर एक छोटा सा कुत्ता जो डॉग हुआ कर माने वहाँ पर था इट सेव द बॉय ईटिंग हिज सैंडविच उस कुत्ते ने और इस लड़के को सैंडविच खाते हुए देखा द बॉय शोव्ड द डॉग इस सैंडविच उन्हें उसको कुत्ते को दिखाते हुए उस सैंडविच को खा रहे थे द डॉग स्टार्टेड वॉकिंग इट्स उसका इट्स टेल लविंगली और उस डॉग जो है उन्हें धीरे से पास में आके अपनी पूँछ हिलाने लगा द बॉय सट टू द डॉग इन ए काइंडली टून उस लड़के ने उस डॉग से बड़े अच्छे से कहा ओ डॉग डू यू वॉन्ट टू ईट दिस सैंडविच और डॉग बड़े प्यार से कहा आ, ये डॉग तुम ये सैंडविच खाना पसंद करेंगे द लिटिल डॉग वॉस हंगरी वो कुत्ता जो है बहुत भूखे थे इट इट केम क्लोज टू द बॉई वो पास में लड़के के पास आया और इट् साट डाउन इट्स हिन्क्स वो अपने लड़के का पैर के पास बैठ गया इट इट खड़े हो गए इट ओपन इट्स माउथ फॉर दैंडविच उनने अपना आ, मुंह खोला कि सैंडविच खाने के लिए बट इन स्टीड ऑफ गिविंग द डॉग एनी थिंग टू ईट लेकिन उस लड़के ने कुछ उसको देने के बजाय द बॉय गेव इट ए हार्ड किक इन द बेली उनने कुत्ते के पेट में एक एक लात मारा द लिटिल डॉग द पेन वो छोटा सा कुत्ता बहुत रोते हुए दर्द के मारे रोने लगे इट रैन अवे फ्राम द बॉय वो वहाँ से उनकी उनसे बहुत दूर लड़के के लड़के से बहुत दूर चले गए द बॉय बिगेन टू लाफ हाउ क्रोयल ही वाज लेकिन वो लड़का जो है हंसने लगा और कितना क्रू, क्रूल है वो मैने निर्दयी है ये मिस्टर रोई सेव ऑल दिस ये रोई मिस्टर रॉय ये सब अपनी खिड़की से देख रहा था आई मस्ट टीच दिस बॉय एक लेसन यट टू हिम्सल उनने कहा कि मैं आज इस लड़के को एक पाठ पढ़ाऊँगा ये कहते हुए रोई ने देन ही गोट अप फ्रॉम हिस् सीट एंड केम आउट इंट द स्ट्रीट जल्दी से जल्दी अपनी आ, सीट से उठा और ये शहर की ओर दौड़ लगा ही हार्ड ए स्टिक इन हिज हैंड उनके पास एक लकड़ी भी हाथ में रखे हुए थे ही कॉल्ड आउट टू द बॉय इन काइंडली टून उनने लड़के को बड़े प्यार से बुलाया अपने पास द बॉय एट वन केम टू मिस्टर रॉय उन एकदम और लड़का जो है रॉय के पास आया मिस्टर रॉय टुक आउट ए टेन रुपी नोट फ्रॉम द दिज पॉकेट रोई ने अपनी पॉकेट में से दस रुपया निकाला और ही शोड इट टू द बॉय उन्हें अब लड़के को दिखाते हुए कहा ओ बॉय सेट मिस्टर रॉई रोई ने कहा ओ बॉय डू यू वांट दिस टेन रुपीज नोट डू यू वांट दिस टेन रुपीज़ नोट क्या तुम ये दस रुपया चाहते हो तो लड़के से पूछा तो लड़के ने लड़के ने यस आई वांट इट सेट द बॉय हैपली उसने लड़के ने कहा हाँ मैं चाहता हूँ बड़े खुशी खुश होकर कहा देन हैव इट सेट मिस्टर रोई फिर उसने रोई ने बोला तो ले लो द बॉय स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द मनी बॉय ने लड़के ने अपने हाथ ऐसे लम्बा किया पैसा लेने के लिए बट मिस्टर रोई पुट द नोट बैक इंटू हिज पॉकेट लेकिन रोई ने उस नोट को अपनी जेब में वापस रख दिया इंस्टीड ऑफ गिविंग द बॉय एंड एनी मनी उनने वो लड़के को कुछ पैसा देने के बजाय ही गेव ही मे हार्ड ब्लो विथ हिस्टिक उनने पैसा देने की जगह पर उस लड़के के हाथ में डंडे से एक एक लकड़ी मारा द बॉई क्राइड इन पेन लड़का माने दर्द के मारे रोने लगा बाई डिड यू हिट मी क्यों तुमने मेरे को मारा ही एंग्री आई डि उन्हें बड़े गुस्से में लड़के ने पूछा आई डिट नॉट आस्क यू फॉर एनी मनी मैंने तुमसे तो कोई पैसा नहीं मंगा था एंड दैट डॉग ऑल्सो डिट नॉट आस्क यू एनी सैंडविच रोई ने उससे लड़के से बोला उस कुत्ते ने भी तुमसे कभी सैंडविच नहीं मांगा था आ, नहीं मांगा था सट मिस्टर रॉय देन व्हाई डिड यू हिट द पुअर लिटिल एनिमल फिर तुमने क्यों उस कुत्ते को इतनी बुरी तरीके से लात मारा द बॉय हंग हिज हेड इन शेम लड़के अपनी सिर झुकाते माने शर्मिंदा की वजह से सिर झुकाया ही वाज सॉरी फॉर वाट ही हैड डन उसने जो कुछ किया उसके लिए सॉरी बोला देर वेर टीयर्स इन इन आइस उनकी आंखों में आंसू थे डिड द ब्लो गिव यू प्लेन पेन डिड यू डिड द ब्लो गिव यू पेन तुम्हें जब लकड़ी मारा तब पेन हुआ दर्द हुआ आस्कड़ में स्ट्रोई ये संगल इट हर्ट मी सो मच मुझे बहुत दर्द हुआ मुझे बहुत दुख हुआ सो so, यू मस्ट नो वाट पेन यू गेव टू दैट लिटिल डॉग तुम्हें यह पता है कि तुमने उस छोटा सा कुत्ते को कुत्ते के बच्चे को तुमने कितना बड़ा पेन दिया कितना बड़ा दुख दिया फोर्गी मी हंगल मुझे क्षमा करना अंकल सर द बॉई लड़के ने कहा आई विल नेवर डू इट अगेन मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा सो यू हैव लर्न ए लेसन सो सो यू हैव लर्न ए लेसन आपने ये लेसन पढ़ा होगा तो आपको सम आपको, आपके लिए एक पाठ है ये सट मिस्टर रोई ये तुम्हारे लिए एक पाठ है आ, बी ए गुड बॉय एक अच्छा लड़के लड़का बनने के लिए डोंट बी क्रूएल टू लिटिल बर्ड्स एंड एनिमल्स कभी आ, किसी भी बर्ड्स और एनिमल्स कोई पक्षी और जानवरों को कभी दर्द नहीं देना कभी उनके ऊपर निर्दय नहीं बनना निर्दयी नहीं बनना दे ऑल्सो फील पेन लाइक यस वो भी तुम्हारे जैसे दर्द उनको भी होता है यू मस्ट नेवर हिट और किल दिस पुअर थिंग्स तुम तुम्हें कभी उनको मारना भी नहीं है कभी उनको आ, मार डालना भी नहीं है फुर्गी मी अंगल आई सट दट द बॉय मुझे माफ़ करना अंकल मैं बोई ने कहा आई प्रोमिस आई शाल ऑलवेज बी काइंड टू बैड्स एंड एनिमल्स मैं आपको भजन देता हूँ कभी हमेशा मैं इनके बेड्स और एनिमल्स के प्रति दयालु रहूँगा यस बी ए गुड बॉय एंड गॉड विल ब्लस यू एक अच्छा लड़का बनो और भगवान तुम्हारा भला करेगा सट मिस्टर रॉय रोई ने कहा द बोई बोर्ड इज हेड इन रेस्पेक्ट एंड वन अवे मिस्टर रोई वॉकड बैक इनटू हिस हाउस उनने सिर झुकाते हुए लड़के लड़का अपना वापस रेस्पेक्ट करते हुए वहाँ से चले गए और मिस्टर रोई वॉकड बैक इनटू हिस हाउस रोई मिस्टर रोई वापस उनके घर आया ही वाज स्माइलिंग वो हंस रहे थे तो देखो बच्चों ये आज का लेसन था आपने पढ़ा और अब आगे आपके लिए जो पढ़ने के लिए और लिखने के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये इसके नीचे वाले जो पेज नंबर फोर में सबसे नीचे वौकाब दिया हुआ है ये हाँ ये जो जितने भी आपको कठिन शब्द है इसको इसका जो है इंग्लिश में मीनिंग दिया हुआ है इसको आप ज़रूर अपनी टेस्ट कॉपी में इसको उतारेंगे और इस आ, टेस्ट कॉपी में और इस आ, ये मीनिंग लिख के आप ग्रुप में डालेंगे इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो है एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कराएंगे थैंक यू ओके बाय